नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने हैं भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। अरुण जी, कभी कहते हैं कि यूपीए 2 नाजायज़ है, कभी कहते हैं 2009 के इलेक्शन नाजायज़ थे, कभी आपके लीडर माननीय अडवाणी जी कहते हैं कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और बनेगा, आप क्या कहते हो? देखिए, जहाँ तक मैं जितना समझ पाया, अडवाणी जी ने ये जो कहा कि यूपीए 2 नाजायज है, उसके पीछे उनका भाव जो था कि 2000 यूपीए 1 का जो चुनाव था, जिसमें जब कॉन्फिडेंस वोट आया था, जो उस समय जो वोट लिया गया था, जिस तरह से मैनेज किया कांग्रेस पार्टी ने, जिन माध्यमों के माध्यम से वोट मैनेज किया गया, अगर वो गलत हैं तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से बनी हुई हर सरकार गलत है। तो आज ये मुद्दा क्यों उठाया? जब अवसर आया तो अडवाणी जी इस विषय को बोला, उन्होंने कहा कि केवल सरकार बनाने नाजायज नहीं, जिन मुद्दों को लेकर लगातार यूपीए 1 से लेकर के यूपीए 2, वो जिस प्रकार से सरकार चल रही है, वो सरकार की इसीलिए है क्योंकि जब वो सरकार पूरी तरह से, उसका माध्यम ठीक नहीं था, उसका कोएलिशन ठीक नहीं था, तो उसमें से जब निकला तो ध्यान में आता है कि देश के सामने जो प्राथमिकता है, उन प्राथमिकताओं को छोड़कर के कांग्रेस पार्टी या यूपीए की पूरी सरकार अपने रास्ते से भटक रही है। चाहे वो असम का हालत का विषय होगा, जिस विषय में आज एक बार स्थिति आई है, अपने ही घर में पहले कश्मीर के लोग बेघर हुए, विस्थापित हुए, अब असम में स्थिति आई है, कोकराझार में बोडो लोग जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको अपने घर में ही आप विस्थापित होना पड़ रहा है। ये कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है, निश्चित रूप से वोट की राजनीति के कारण ही हो रहा है। वोट की राजनीति तो लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। नहीं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति के आधार पर, हमने कभी नहीं कहा कि हम वोट की राजनीति के आधार पर करते हैं, ना नीतियाँ हैं। कई बार ऐसा हुआ, धारा 370 का विषय हटाने की बात हम करते हैं, और धारा 370 को अगर वोट की राजनीति के आधार पर करते हैं तो हम इस विषय को नहीं उठाते। लेकिन ये राष्ट्रीय एकता और एकात्मता से जुड़ा विषय है, इसलिए धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। कश्मीर भारत का अंग है और उसको पूरी तरह से पूर्ण रूप से भारत में मिलाना चाहिए, इस विषय को हम बोलते हैं। गौहत्या पर प्रतिबंध की हम बात बोलते हैं, समान अधिकार संहिता की बात हम बोलते हैं, राम मंदिर के विषय पर जब हम आते हैं तो राम मंदिर को इसलिए नहीं कि क्योंकि हमारी वोट की राजनीति का हिस्सा है, लेकिन राम इस देश के आदर्श पुरुष थे और हर व्यक्ति उन आदर्शों को माने। आप अडवाणी जी की बात से एग्री करते हैं कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर अगले बार? अडवाणी जी कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है, मैंने हमें मुझे लगता है लेकिन एज ए पार्टी लीडर देखिए, हर वर्कर उनकी तरफ देखता है मोटिवेशन के लिए, ये कोई सकारात्मक सोच तो नहीं है? वर्कर्स भी मोटिवेट होते हैं। निश्चित रूप से अडवाणी जी का भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान है। मैं कहूँ कि अग्रिम पंक्ति के उन नेताओं में है जिन्होंने हमारी सरकार वहाँ बनी और देश में ऐसा वातावरण खड़ा किया जिसके कारण से कई राज्यों में आज भाजपा की सरकार बनी। लेकिन 2014 के चुनाव की बात जो आती है, जिसको हम कई बार कर लगता है कि शायद जैसी स्थिति यूपीए की चल रही है उसमें ये चुनाव पहले भी हो सकता है 2013 में हो जाए। क्यों? यूपीए का जिस प्रकार टकराव चल रहा है, जगह हर दल अपने प्रमुख दल के साथ अविश्वास के साथ खड़ा है। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने पूरी तरह से अपने दिखा और बाद में कुछ लोग अलग भी हुए और कुछ साथ चलते हुए दिखे। जो साथ हैं वो भी टकराव चल रहा है, चाहे शरद पवार का मामला होगा, ममता बनर्जी का मामला होगा, आज के नवीन पटनायक का मामला होगा, कहीं मायावती खड़ी होंगी, कहीं मुलायम सिंह खड़े होंगे, ये कहीं ना कहीं मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के साथ लगातार लड़ रहे हैं। उसमें से लगता है कि कहीं भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि देश को चुनाव का सामना। आपको लगा कि अडवाणी जी को कहीं ऐसा लग रहा होगा कि भाई मोदी को एज 2B PM प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इसकी वजह से वोट नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने एक बड़ा ही मतलब जनरल सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया कि भाई नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी होगा, क्या ये इसके पीछे सोच? मुझे लगता है कि अडवाणी जी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने नई पीढ़ी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में अवसर दिया। अडवाणी जी के बारे में कहना कि किसी को रोकने के लिए उन्होंने कहा होगा, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। वर्कर्स पे क्या असर पड़ा है? आप लोग आपने बात करी, सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है और वो इसकी तैयारी कर रहा है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख दल के नाते से संसद में खड़ी होगी। तो हम ये ना सोचें कि हथियार डाल दिए? नहीं, हथियार तो प्रश्न ही नहीं, हम ना तो पलायन करने वाले हैं, ना निराश होने वाले हैं, ना हम किसी प्रकार से हार मारने वाले हैं। हम 2014 में संसद में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में आके खड़ी होगी, ऐसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को है और हम लोग उस मनोबल को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे बीजेपी में फोकस नहीं रहा है या एकजुटता नहीं रही है, अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्यों नहीं ढंग से टाइम पे खड़ा किया? हम अपने बल पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत सकते थे, और जब हम कोएलिशन की राजनीति कर रहे हैं, देश में कोएलिशन की राजनीति चल रही है, तो निश्चित रूप से अपने गठबंधन के दल और बाकी दल जितने उसके साथ आके खड़े हो सकते हैं पहली प्राथमिकता की बात है। हम जिनको कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कंसेंसस की कोशिश की, उसमें जब संगमा जी का नाम आया
तो वो नाम भी ठीक लगा कि उत्तर पूर्वांचल से एक नाम आता है जो आदिवासी क्षेत्र से है और देश के अल्पसंख्यक समुदाय से भी आता है और जिसको संसदीय राजनीति का अच्छा लंबा अनुभव है। ऐसा व्यक्ति आएगा तो देश के लिए अच्छा रहेगा। बाद में चुनाव हुए, चुनाव में प्रणब मुखर्जी जीते, वो भी अनुभवी व्यक्ति हैं, पार्टी ने उनको भी स्वीकार करके बधाई दी है। लेकिन हमने अपनी तरफ से शुरुआत इसलिए नहीं की कि नंबर गेम हमारे पास है। वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए उसमें भी था कि अगर कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की होती राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में और पहले प्रमुख विपक्षी दल और बाकी दलों से इस मामले में सलाह करके अपना प्रत्याशी घोषित किया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं आती कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए या भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती। कांग्रेस की तरफ से बड़े दल के नाते से या सरकार चलाने वाले दल के नाते उन्होंने पूरी बात नहीं की। इसके कारण परिणाम ये हुआ कि हमें अब क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं इसलिए चुनौती देनी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया या राष्ट्रपति के चुनाव में जो उपयुक्त था उसका समर्थन। आपने जो प्रत्याशी खड़ा किया जसवंत सिंह जी, ये भी कहा कि जिस पर्सन को पहले एक्सपेल कर दिया गया था पार्टी से, आज आप उसी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं। ये तो कई अवसरों बात है, किसी एक मुद्दे के ऊपर हुआ और पार्टी ने बाद में सबने विचार करने के बाद लिया, पार्टी में ले लिया। उस टाइम हेस्टी डिसीजन था? नहीं, मुझे नहीं लगता जिन्होंने निर्णय किया होगा वो किसी एक व्यक्ति का नहीं था, पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बैठ के तय किया था। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी निष्कर्ष पर पहुंचा तो निश्चित रूप से उन्होंने सोच समझ कर निर्णय किया होगा। प्रेसिडेंट अब आपके नहीं है, भारत के हैं, देश के हैं, लेकिन डेफिनेटली कांग्रेसी हैं, दैट इज अ वेरी क्लियर फैक्ट। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ प्रो कांग्रेस पर्सन। क्या 2014 के जब इलेक्शन होंगे एंड विच एवर पार्टी विल बी इन्वाइटेड टू फॉर्म दी गवर्नमेंट, क्या इस चीज़ का फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश में हम चुनाव केवल ऐसा नहीं, आज़ादी के बाद राष्ट्रपति के जितने चुनाव हुए हैं उसमें एक अवसर को या दो अवसर को छोड़कर हर बार चुनाव हुआ है। और जो राष्ट्रपति बना है उसने अपनी संवैधानिक दायित्वों को पूरी तरह निर्वहन किया है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जो उनके पावर्स हैं उन पावर्स को पूरी तरह बहुत ही इम्पार्शल तरीके से यूज़ किया है। और प्रणब मुखर्जी जी बहुत ही देश के प्रमुख राजनीतिक नेता हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है और हम विश्वास करते हैं कि वो भी पूरे देश का नेतृत्व आज कर रहे हैं, वो किसी एक दल के नहीं। और जब राष्ट्रपति के प्रत्याशी बने तो वो भी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे, उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा, एज एन इंडिपेंडेंट, कांग्रेस से इस्तीफा दिया, इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा, तब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। लगता है पूरी इम्पार्शल तरीके से और सारे देश की जनता को ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमारे पूरे देश का नेतृत्व करें। अरुण जी, सवाल तो आपसे और भी हैं लेकिन अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। महिला बाल विकास की तरफ से चलाए जाए कार्यक्रमों को सफल बनाएं, वो कार्यक्रम तभी सफल बनेंगे जब आप सबकी उसमें भागीदारी होगी। खास तौर से जरूरी है इन सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करना। हम काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं उसकी जवाबदारी हमारे साथ साथ आपकी भी बनती है। आपका और हमारा दायित्व एक है, मकसद एक है, हमारे बच्चे स्वस्थ हों, हमारी महिलाएं तंदुरुस्त रहें, माताएं स्वस्थ बच्चों को जन्म दें। आप अगर इन कार्यों में भागीदार बनेंगे तो निश्चय ही राज्य तरक्की करेगा। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चय ही हम एक राजस्थान को स्वस्थ राजस्थान, खूबसूरत राजस्थान और तरक्की भरा राजस्थान बना पाएंगे। पेश है पीसीएम के रेडी टू यूज मसाले जायकेदार, रायता मसाला, चना मसाला और पाव भाजी मसाला, आलू मसाला, अचार मसाला, सांभर मसाला, किसी दूसरे मसाले की जरूरत नहीं। खोलें और व्यंजन बनाएं पीसीएम मसाले। नई भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट, भंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। Chandravati Group of Institutions, promoted by eminent educationalist Dr. Narendra Singh, approved by AICTE and affiliated to RTU Kota. Lush green 22 acres campus on National Highway 11, Kharagpur, with world-class infrastructure and facilities. Admission open for MBA, MCA, BTech, MTech and Hotel Management. Contact for more details, Chandravati Group of Institutions, Kharagpur, Rajasthan and SMS CGI to 57333. बड़े अच्छे लगते। अगर करनी हो अपनी घर की रक्षा तो लगा ये जॉनसन सेम
और जॉनसन जेपी की वॉलकीपर। अभी भाई बोले तो चोरी करने का धंधा ही बंद हो गया। शेर में नया इंस्पेक्टर। अरे नहीं भाई, अभी बोले तो घर घर में जीनस का इन्वर्टर आ गया। फ्यूज निकाल के चोरी करने का चांस ही नहीं। जीनस भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला साइन वेव इन्वर्टर। जीनस जहां पावर वहां। भाई कोई नया धंधा बता ना। घर में 100 लीटर क्षमता वाला सोलर गीजर लगाइए और बिजली के बिल में आश्चर्यजनक बचत पाइए। आप इससे एक साल में लगभग 1500 यूनिट बिजली की भी बचत कर सकते हैं। साथ ही बिजली के बिल में भी 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से छूट पाइए। मामूली रखरखाव वाले इस गीजर की लागत 3 से 4 सालों में वसूल हो जाती है। और यही नहीं, सरकार द्वारा 100 लीटर क्षमता वाले सोलर गीजर पर लगभग 6500 रुपए का अनुदान दिए है। तौर पर खुली मिर्चों में कई अशुद्धियां हो सकती हैं, इसीलिए इस्तेमाल कीजिए शुद्धता भरा किचन एक्सप्रेस मिर्च पाउडर। रहे तीखा रहे लाल पूरे साल। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट भंगर सीमेंट। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अरुण जी, पिछले 1.5 साल से प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हुई है, अधिकारियों की भी बैठक रेगुलरली बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे में क्या वाकई एक कॉन्क्रीट स्टेप आप लोग कांग्रेस के अगेंस्ट ले पाएंगे? लग तो नहीं रहा। नहीं, कार्य समिति की बैठक निश्चित रूप से 1.5 साल तो नहीं, लेकिन काफी लंबे समय से नहीं हुई है। उसको जल्दी हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमारी पदाधिकारियों की बैठक नियमित होती है, जनरल सेक्रेटरीज की होती है और बाकी जो टीम है उसकी बैठक नियमित हो रही है। नीचे की जो वर्किंग है उन जिला की कार्य समिति की बैठक, मंडल की बैठक, वो नियमित हो रही है और जो पार्टी के कार्यक्रम है। लेकिन जो ऊपर बैठक होगी तभी तो नीचे तक उनके पास हमारे यहाँ शेड्यूल्स इन्फॉर्मेशन सब कुछ जाएगा। जो छोटी टोली है जिसको हम टीम कहते हैं उसकी बैठक होती है और उसके माध्यम से हम कार्यक्रम लगातार भेज रहे हैं। कार्य समिति की बैठक एक बड़ी लार्जर बॉडी होती है जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव और सब चीज़ों को देते हैं हम, बड़े विषयों को लेकर के। उसकी जल्दी हम प्लान कर रहे हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार हो गया? इलेक्शन मैनिफेस्टो तो चुनाव के समय देंगे, अब इसके लिए अभी इनिशियल तैयारी हमने नहीं की। अभी काफ़ी समय 1.25 साल के लगभग है, इसलिए अब बहुत जल्दी है कि अभी से हम चुनाव का मैनिफेस्टो लेके जनता के साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है? क्योंकि जो मुद्दे हैं आजकल, ब्लैक मनी वो तो रामदेव जी लेके बैठ गए हैं, करप्शन था वो अन्ना जी लेके बैठ गए हैं, भाजपा किस पे लड़ेगी? आप देखिए, ये चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, महंगाई का होगा, काले धन का, इन मुद्दों को अगर कहीं शुरुआत किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। महंगाई के विषय के ऊपर अब से नहीं, 70 के दशक में पहला आंदोलन जेपी के नेतृत्व में जो लड़ा उसकी भी बैकबोन कोई था तो पूरा उस समय का जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब रहे। और आज भी इस आंदोलन को पहला कोई प्रदर्शन किसी ने किया तो अब से 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने संसद पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, देश भर के लगभग 5 लाख लोगों को। देश सतत हम लगातार इस विषय को लेकर के नीचे मंडल तक, ब्लॉक लेवल तक लेके गए, उसके लिए हमने संघर्ष किया। काले धन के विषय को लेकर के 2009 के लोकसभा के चुनाव में आडवाणी जी ने अपनी हर सभा में इस विषय को रखा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीने के अंदर अंदर इस काला धन को वापस भारत में लाएंगे और भारत के विकास में लगाएंगे। मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो कोई मुद्दा तो बना नहीं। मुद्दा बना, ये कभी मुद्दे की परिणति क्या होती है इसके विषय लगे, वो चुनाव में हम कई बार देखते हैं। लेकिन वोट नहीं, क्योंकि हमारे देश की लोकतंत्र की एक बड़ी विडंबना की भी है कि हम वोटर को पूरी तरह एजुकेट नहीं कर पाते, उसके कारण से अलग अलग फैक्टरों से चुनाव के परिणाम अलग होते हैं। लेकिन इन 3 मुद्दों को, भ्रष्टाचार का मुद्दा, कॉमनवेल्थ गेम्स के मुद्दे को सबसे पहले किसी ने एक्सपोज किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी प्रकार 2G स्पेक्ट्रम का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के नाते से मुरली मनोहर जोशी जी ने वहाँ अपनी पूरी तरह अपने दायित्व को निभाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और कांग्रेस पार्टी उस समय परेशानी की स्थिति में आई। इसलिए ये कहना, आप ये मुद्दे आम आदमी तक ले जा पाएंगे पूरी तरह? आज ये विषय बने उसमें बाद में अन्ना जी जुड़े होंगे या रामदेव जी जुड़े होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत और इसको आम आदमी का मुद्दा बनाने में किसी की भूमिका रही तो भारतीय जनता पार्टी। बट क्या आम आदमी इसको भाजपा के साथ जोड़ रहा है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, भ्रष्टाचार की बात होती है कि एंटी करप्शन तो नाम अन्ना का आता है, भाजपा का नहीं आता। ब्लैक मनी की बात होती है तो रामदेव का नाम आता है, भाजपा का आज नहीं इसको आता। लेबल किसी का लगा है, लेकिन लेबल लगेगा लगता है शायद उसी को वोट मिलेगा। हम ये नहीं मानते, क्योंकि अन्ना जी या कहीं ऐसा राजनीतिक दल नहीं, और आते भी हैं तो उस मुद्दों पर अलग चुनाव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव कैसे होगा? हम विपक्ष के नाते से बात कर रहे हैं तो हमने अपने दायित्व को पूरा निर्वहन किया कि हम इन मुद्दों को जनता के बीच में लेके गए। और एक आज उस भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे बनाने के बाद देश के कई अलग लोग भी, नेता लोग भी और कई बाकी साधु संत और सब इसके साथ जुड़े हैं, इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। हम चाहते हैं देश में इन मुद्दों को लेकर के एक बड़ा जागरण खड़ा होना चाहिए और आम जनता खड़ी होनी चाहिए। आप अन्ना, टीम अन्ना की डिसीजन को सपोर्ट करते हैं टू ज्वाइन पॉलिटिक्स?
हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। हमारा देश का संविधान ये कहता है कि एवरीबडी इज हैव राइट टू फॉर्म हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी कोई बना सकता है। तो अन्ना टीम या अन्ना जी के द्वारा अगर कोई राजनीतिक दल बनता है तो निश्चित रूप से देश की जनता के सामने एक विकल्प और आएगा, सबके बारे में विचार करेगी जनता। लेकिन आपको लगता है कि वाकई एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव लेकर आ पाएंगे? इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। हम भी मानते हैं कि हम 2014 नहीं, हम 2013 में इनको फोर्सिंग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। और आज कांग्रेस के विकल्प के नाते कोई सामने खड़ा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। आप अन्ना के कैंपेन को फेलियर मानेंगे क्या इस बार? मैं एज ए नागरिक बात करूँ, अगर भारत के एक सिटीजन के नाते बात करूँ, तो मैं पार्टी के अध्यक्ष से अलग हटके बात करता हूँ, कर सकते हैं तो मुझे, मैं इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं उस व्यक्ति के नाते अपनी राय देता हूँ कि अन्ना जी से अपेक्षा थी कि देश को एक गैर राजनीतिक नेतृत्व उनसे मिल रहा था। मुझे ध्यान आता है कि 70 के दशक में जो आंदोलन गुजरात और बिहार से शुरू हुआ था, बाद में जयप्रकाश जी का नेतृत्व उसको मिला। अगर जयप्रकाश जी राजनीतिक धारा में बह गए होते तो देश में उस समय एक बड़ी क्रांति खड़ी नहीं होती और शायद 77 का सत्ता परिवर्तन नहीं होता। एक अवसर था अन्ना जी के पास, और शायद हम लोग, आपको नहीं लगता कि कई बार हम लोग देश में बहुत जल्दी कंपैरिजन करते हैं महात्मा गांधी से, जेपी जी से, तो हर कोई आदमी वहाँ मेजर तो नहीं कर सकता? नहीं, कुछ ना कुछ मॉडल्स तो होते हैं, उन मॉडल्स के बारे में जनता निश्चित रूप से तुलना करेगी, और एक समय के बाद अगर दूसरा व्यक्ति आता है उसमें उस चित्र को देखना चाहती है, और जब नहीं मिलता तो निश्चित रूप से उसको पीड़ा होगी। रामदेव जी को कितना सपोर्ट करती है बीजेपी, व्यक्तिगत आपका नहीं पूछ रही? नहीं, मैं भाजपा के नाते कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसे हर व्यक्ति को, चाहे वो बाबा रामदेव जी हों, चाहे अन्ना हजारे जी हों, या कोई और आता है, जो भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन, इन विषयों को लेकर खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे हर मुद्दे के साथ खड़ी। राजस्थान में भाजपा की क्या तैयारियां रहेंगी फॉर द कमिंग इलेक्शंस? संगठनात्मक और चुनाव की रणनीति और आंदोलनात्मक, इन तीनों दिशाओं में बढ़ रहे हैं। बहुत कम समय है। नहीं, हमने तैयारी पहले शुरू की और पर्याप्त समय जिसमें हम अपना काम अपने समय के हिसाब से चल रहे हैं। हमने तय किया है कि हम लगातार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथनिंग के नाते से नीचे तक हमारी ब्लॉक तक की कमेटियां बन चुकी हैं, रेगुलर उनकी मीटिंग्स, जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति अलग है, एक वर्किंग स्टाइल अलग है, वो अब से नहीं है, लंबे समय से वो पूरी तरह से उस कार्यपद्धति के हिसाब से जिले की बैठकें, ब्लॉक की बैठकें चल रही हैं। जितने भी लगभग 45,000 के बूथ आसपास बूथ हैं राजस्थान में, उन सब बूथ कमेटियों के फॉर्मेशन का काम है, जो सेप्टेम्बर के लास्ट तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमने एक तय किया है कि हम शक्ति केंद्र होंगे, जो कहीं 20-25 बूथों के ऊपर एक शक्ति केंद्र होगा, ऐसा करके एक पिरामिड बनाने का काम, वो सितंबर के आखिर तक हम इस काम को पूरा करेंगे। अभी कांग्रेस हटाओ कैंपेन लॉन्च किया है, व्हाट इज इट, क्या है? कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, कल 9 अगस्त था और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन दिया था। अब देश की जनता के पास जैसी समस्याएं हैं उसका एक ही रास्ता है कि कांग्रेस अगर सरकार से हटेगी तो निश्चित रूप से समाधान होगा। इसलिए भारतीय जनता है, डेमोक्रेसी में ही कहा, इसे डेमोक्रेसी में ये अधिकार है किसी भी दल का कि वो कहे कि दल, क्योंकि सत्ता में रहने का अधिकार छोड़ चुका है, आम आदमी की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, इसलिए उसको सत्ता पे छोड़ना चाहिए। लेकिन उसके लिए जब आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, आम आदमी भी परेशान होता है, मारपीट होती है, तो क्या एक अच्छी छवि बनती है? लोकतंत्र में किसी को भी अपने विषय रखने का तरीका है, और हमें लोकतंत्र में जो अधिकार दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है। सवाल आपसे और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। अपने घर में 100 लीटर क्षमता वाला सोलर गीजर लगाइए और बिजली के बिल में आश्चर्यजनक बचत पाइए। आप इससे एक साल में लगभग 1500 यूनिट बिजली की भी बचत कर सकते हैं, साथ ही बिजली के बिल में भी 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से छूट पाइए। मामूली रखरखाव वाले इस गीजर की लागत 3 से 4 सालों में वसूल हो जाती है। और यही नहीं, सरकार द्वारा 100 लीटर क्षमता वाले सोलर गीजर पर लगभग 6500 रुपए का अनुदान दे है। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट, भंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अभी भाई बोले तो चोरी करने का धंधा ही बंद हो गया, शेर में नया इंस्पेक्टर। अरे नहीं भाई, अभी बोले तो घर घर में जीनस का इन्वर्टर आ गया, फ्यूज निकाल के चोरी करने का चांस ही नहीं। जीनस भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला साइन वेव इन्वर्टर, जीनस जहां पावर वहां। भाई कोई नया धंधा बताओ ना। क्या आप अपने चेहरे पर कील मोहरे, दाग धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट,
भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। शिव ज्ञान लेकर आए हैं जयपुर के हार्ट सी स्कीम में शिव ज्ञान लक्सोरा अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स, जहां होंगे वीआरवी एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर ईच फ्लैट, मॉड्यूलर किचन, क्लब हाउस, इंडोर स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, एंटरटेनमेंट जोन, जिम, हाईटेक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप, सभी फ्लैट और कॉमन एरियाज के लिए। तो देर किस बात की, अपने सपनों को हकीकत में देखने के लिए आज ही संपर्क करें मुरारी बापू इन नाट द्वारा पेश है पीसीएम के रेडी टू यूज मसाले जायकेदार। आलू मसाला, अचार मसाला, सांभर मसाला, पीसीएम मसाला। भगवान, नए घर का नक्शा पसंद आया? नक्शा तो ठीक है, लेकिन इसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कहाँ पर है? उसकी क्या जरूरत है, वैसे भी वहाँ बोरवेल में तो खूब पानी है। अजी, आज तो बोरवेल में बहुत पानी है, लेकिन कल जब जमीन में ही पानी नहीं बचेगा तब कहाँ से लाएंगे पानी? मतलब? मतलब कि हमें वर्षा जल की एक एक बूंद को जमीन में सहेज कर रखना होगा, तभी तो हम भविष्य के लिए पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। बात ठीक है, मैं आज ही नक्शे में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को जुड़वाता हूँ। लंबे, रेशमी, मुलायम और मजबूत बालों के लिए विट्रो नेचुरल्स एलोवेरा जोजोबा शैम्पू और हेयर क्रीम। विट्रो नेचुरल, जियो लाइफ नेचुरल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अरुण जेटली जी राजस्थान आए कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए या उसको स्मूदन करने के लिए, क्यों आवश्यकता महसूस? नहीं अरुण जी, ना तो समन्वय के लिए आए थे ना कोऑर्डिनेशन ठीक करने आए थे। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में सब मुद्दों के ऊपर पूरा समन्वय है और हम मिल बैठ करके सारी चीज तय करते हैं। चुनाव पास आने वाले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नाते से राजस्थान एक प्रोस्पेक्टिव स्टेट में है, जहां हम सरकार बनाने की एक प्रबल संभावना है और यहां से अच्छी संख्या में सीट बनाकर दिल्ली पहुंचेंगे। क्या रोल रहेगा चुनावी तैयारी के नाते से और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या इस बारे में सलाह उन्होंने की थी? लेकिन अगर राजस्थान में चुनावी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए उसके ऊपर कोई भी सलाह मशवरा हो रहा है तो क्या वसुंधरा राजे के बिना हो सकता है? उनसे सलाह करके होता है, इसलिए मैं जब ये कहता हूँ कि सब लोगों से चर्चा करके। पर वो तब क्यों नहीं आए जब वो थी? हमेशा बैठक में रही हैं। अरुण जी जब आए निश्चित रूप से भी बाहर हैं, लेकिन अरुण जी के साथ उनका मिलने का और भी कुछ लोगों थे। अरुण जी की यात्रा शुरुआत है, समाप्ति नहीं है। बाकी लोगों से मिलने का भी उनका, और लोगों से मिलेंगे, बात करके इसे चुनावी रणनीति के हिसाब से जो करना है उस काम को शुरुआत करेंगे। उस पार्टी इंचार्ज का रोल लेंगे फॉर इलेक्शंस, ये मैं नहीं कह सकता, तो केंद्र का विषय है। अभी संगठनात्मक नाते से कप्तान सिंह जी राजस्थान के प्रभारी हैं। क्या रोल रहेगा कप्तान सिंह जी का और सुमैया जी का, क्योंकि एक तो ये कहते हैं कि राजस्थान बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में विल बी इजी टू विन सपोजिटली, ये कथन है, और एक जगह यहाँ पे तीन तीन चार चार लोगों की जरूरत महसूस हो रही है इसको कोऑर्डिनेट और इसको रन करने के लिए। देखिए राजस्थान में नहीं है, देश भर में भारतीय जनता पार्टी के हमारी एक शैली का हिस्सा है कि हर प्रांत में एक प्रभारी हम तय करते हैं और ये अपनी है। पहले भी लगातार राजस्थान में कोई ना कोई प्रभारी रहा है, कभी यहाँ कलराज मिश्र जी रहे, गोविंदाचार्य जी रहे, मुंडे जी रहे, या अलग अलग समय में अलग अलग प्रभारी रहे राजस्थान के, इसलिए उसके तहत है। और चुनाव के नाते से एक प्रभारी हमेशा होता है, तो केंद्र के पार्लियामेंट्री बोर्ड जब चुनाव आएगा तो किसी को अगर उचित समझेंगे तो एक प्रभारी और तय करेंगे। लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि अलग अलग स्टेटमेंट्स आती हैं। सुमैया जी ने कहा कि अपने जो आपके पार्टी इलेक्शंस हैं दिसंबर में आपकी टर्म खत्म हो रही है वो होंगे, घनश्याम तिवारी जी ने कहा नहीं होंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ होंगे या नहीं होंगे? अभी केंद्र ने इस बारे में कुछ तय नहीं किया है। सामान्य रूप से देश के संगठनात्मक चुनाव दिसंबर तक पूरे होंगे, अभी सदस्यता का काम चल रहा है और ये पूरा होने के बाद चुनाव शुरू होंगे, दिसंबर तक पूरे होंगे और उसके बाद नीचे ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। पर ये बहुत क्लोज नहीं है इलेक्शंस के, नया आदमी आएगा संभालेगा, कहीं ना कहीं भाजपा को लॉस नहीं होगा इससे? नहीं, केंद्र इस बारे में जब तय करेगा तो इन सब चीज़ों को देख कर तय करेगा। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव या प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम है, अगर 50% नीचे की इकाइयों के चुनाव हो जाते हैं तो ऊपर का चुनाव हो सकता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है तो 50% देश के जितने राज्य 50% स्टेट्स के अगर चुनाव हो गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इसी प्रकार प्रदेश के चुनाव के लिए अगर 50% डिस्ट्रिक्ट के चुनाव हो जाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष का हो सकता है। होना ही नहीं हो रहा, इसको नीति के नाते से केंद्र तय करेगा और उसके बाद फिर आगे बढ़े। कब तक? मुझे लगता है जल्दी इस बारे में जब उचित समय आएगा पार्टी तय करेगी, केंद्र का विषय है। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव होना और किसका अध्यक्ष बनना ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती। दिगंबर सिंह जी तो कहते हैं कि इट विल बी अ बून इफ वसुंधरा राजे बिकम्स द पार्टी प्रेसिडेंट। उनका हर एक व्यक्ति की अपनी राय है, इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ आपको ऐसा क्यों होता है कि हर कोई अडवाणी जी अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं, दिगंबर सिंह जी अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं, पार्टी पे फर्क तो पड़ता है आप चाहे माने ना माने। दिगंबर सिंह जी ने चला के ये बात नहीं कही, अगर किसी ने पूछा ये हो तो कोई ये नहीं कहेगा ये चीज़ गलत है। अगर अदरवाइज क्वेश्चन होता तो
तब भी दिगंबर सिंह जी ये नहीं कहते नहीं बेकार रहेगा कि राजस्थान में हमारे स्टेट में क्या मुद्दे रहेंगे? निश्चित रूप से हम पिछली सरकार में थे तो जो एक विकास का हमने एक मॉडल खड़ा किया था, हम पहली बात तो उस विकास के मॉडल को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। बिजली बड़ा विषय है, पानी विषय है, शिक्षा का एक जो लगातार स्टेटस गिर रही है उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे एक विषय को लेकर हम जाने वाले हैं। हेल्थ की कंडीशंस को लेकर के राजस्थान में हमारी सरकार के समय काम शुरू हुआ था, दोबारा रास्ता रुका है वो ठीक है। सड़कों के जितने नेटवर्किंग की बात थी उसका काम रुका है। ये सब चीज़ें जो हैं इन विषयों को लेकर जाएंगे और हम डेवलपमेंट के प्लान को लेकर के जनता के पास जाएंगे। आपको लगता है कि इस बार डेवलपमेंट के ऊपर वोट होगा? क्योंकि आमतौर पर जब बात आती है तो राजस्थान वोट्स ऑन कास्ट, पहले भी नहीं था अब भी नहीं। मुझे लगता है निश्चित रूप से राजस्थान में डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा होगा और आज राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन से आज के कांग्रेस के शासन को तुलना करती है तो विकास के नाते करती है कि उस समय बिजली मिलती थी, पानी मिलता था, सड़कें थी, शिक्षा के स्कूल थे, पीएससी सीएससी खुली थी और अब ये सारे काम रुक गए। ये आम आदमी के कंसर्न का विषय है और उनके चर्चा का विषय। ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में क्या होता है, उसमें आपके लेजिस्लेटर्स राजी खुशी क्यों नहीं जाते? ज़्यादातर लेजिस्लेटर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जितने जिलों में हुआ है उनमें पहली बात तो ये मैंडेटरी नहीं है कि कोई व्यक्ति तुरंत जिस जिस जिले में हो रहा है उसी में भाग ले, अगर किसी को काम है तो कर सकता है और दूसरे किसी भी ट्रेनिंग कैंप में जाकर के वो पार्टिसिपेट कर सकता है। हमारे यहाँ मैक्सिमम लेजिस्लेटर्स ने कई जगह एमपीज जहाँ जहाँ हैं उन एमपीज ने भी पार्टिसिपेट किया है और पार्टी के सब कार्यकर्ता उनमें भाग ले रहे हैं और यही कारण है कि राजस्थान में राजस्थान देश के उन प्रथम पंक्ति के राज्यों में है जहाँ प्रशिक्षण के कार्यक्रम सबसे अच्छे हुए हैं। कुछ लेजिस्लेटर्स ने पार्ट नहीं लिया, एक ईमेल लिखी है एक वर्कर ने जिसने एक बहुत मतलब गहरी चिंता जताई है कि लेजिस्लेटर्स अपनी मनमानी करते हैं, वर्कर्स की नहीं सुनते हैं और भाजपा अगर इसी तरह चलती रही तो अगले इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। चाहे किसी ने भी कही हो, चाहे वो सामने नहीं आ रहा, पर उसमें से कहीं सच्चाई आप समझ रहे हैं? संगठन का कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, उसकी कार्यशैली में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। संगठन के कार्यकर्ता की सोचने का तरीका रहता है, जनप्रतिनिधि के सामने केवल संगठन या संगठन का कार्यकर्ता नहीं बाकी सबके बीच में, इनमें संतुलन बनाने का काम जहाँ जनप्रतिनिधि करते हैं और पार्टी के लोग भी करते हैं। इसीलिए हमने फोरम्स पर बैठ करके इन विषयों पर चर्चा करते हैं और रास्ते तय करते हैं। कई बार ये कन्फ्लिक्ट आते हैं और कन्फ्लिक्ट आते हैं तो उनको भी बैठ करके दूर करके हम आगे के रास्ते तय। भाजपा क्या गोपालगढ़ और सुरवल को मुद्दा बनाएगी अगले इलेक्शन में? नहीं, भारतीय जनता, लेकिन देश में राजस्थान में एक मुद्दा तो है ही, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है। Is it failure of administration? Definitely, this is a failure of administration. Or something more? या उससे ज़्यादा? अगर मुझे लगता है कि गोपालगढ़ में अगर समय के ऊपर पुलिस प्रशासन या सरकार पहुंची होती तो शायद इस घटना को। लेकिन हम लोग पूरे देश में ही देख रहे हैं कि somehow लोगों में बहुत ज़्यादा dissatisfaction है, law and order पे से जैसे विश्वास उठता जा रहा है, हर कोई कानून अपने हाथ में ले रहा है। This is not a good sign. आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जनता को नहीं लेना चाहिए, लेकिन कई बार ये किसी भी रूप में नहीं है कि हमारे यहाँ कानून का शासन माना गया और उसकी अहमियत रहनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में भी है। आज अगर बिजली नहीं आएगी और जनता अगर बिजली के विषय को लेकर के AN JN के पास जा रहे हैं तो आप मुकदमे दर्ज करते हो। आप अगर पानी नहीं दिया, लेकिन जनता आराम से नहीं जाती है, उन लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, फर्नीचर तोड़ देते हैं, ऑफिस पे ताले लगा देते हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? बिजली तो है ही नहीं जी, पानी तो है ही नहीं, कहाँ से आएगा? 100% आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि हर जनता का हर वर्ग जाकर के मारपिटाई करता है। पहला चरण ये होता है कि अपनी ग्रीवेंस को रखते हैं, ग्रीवेंस को रखने के बाद वो बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी जनता की नहीं सुन रही है, आराम से बोलने पे नहीं। सरकार को जिस तरह की नीतियां बनानी चाहिए, सरकार नीतियां नहीं बना रही और जो प्रॉब्लम्स आगे आने वाली हैं उन प्रॉब्लम्स को फोर्स। यूपी में लेट कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने की वजह से भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा भाजपा को। ये चीज़ राजस्थान में नहीं हो तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए राजस्थान में भी एक तरह से दो गुट है, पार्टी जब आप कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेंगे थोड़ी खींचातानी तो नेचुरली होगी ही। समय से कैंडिडेट्स कैसे डिक्लेयर करेंगे जिससे कम से कम वो नुकसान यहाँ नहीं उठाना पड़े? देखिए पहली बात तो मैं आपके इस बात से सहमत रही हूँ कि दो गुट हैं, वो तो मुझे पता। पार्टी के हर मुद्दों के ऊपर हम सब लोग बैठते हैं और बैठ करके आपस में तय करते हैं। हम पहले ही कहते रहे कि हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और मुद्दों के ऊपर पूरी चर्चा करके हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी के आधार पर हम चर्चा करके निर्णय करते हैं। पहले भी पंचायत के चुनाव होंगे, नगर निकायों के चुनाव होंगे, इन चुनावों में भी पार्टी ने मिल बैठ करके अपने प्रत्याशी तय किए हैं। इस आगे वाले विधानसभा के चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव, वहाँ भी आप देखेंगे कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन में दिक्कत नहीं आएगी। हम प्रयास करेंगे कुछ जल्दी कैंडिडेट दे सकें जिसके कारण से वो कंपेयर में ज़्यादा समय दे सकें। इलेक्शन दूर नहीं है, तब तक हो सकता है राजेंद्र राठौर वाला केस तब भी कोर्ट में पेंडिंग हो, फिर भी भाजपा उनको टिकट देगी? अभी विषय नहीं, चुनाव समिति बैठेगी और सब मुद्दों को लेकर किसको देना है और किसको नहीं देना,
ये किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं, और इसमें कोई नीति की लाइन नहीं हमारी। जब बैठेंगे उसके आधार पर उस समय तय करेंगे किसको देना है किसको नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण चतुर्वेदी जी, अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। कार्यक्रम के